सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लां एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ फुटबाल चैंपियनशिप खिताब जीतने उत्ते भारतीय टीम नूं दित्ती बधाई, कहा टीम का प्रदर्शन आने वाले खिडारी नूं करेगा प्रेरित। झारखंड हाईकोर्ट ने मोदी सर ने मामले उत्ते की सुनवाई, राहुल गांधी ने दी वड्डी राहत, निजी पेशी तो दी छोट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दसवां टोल प्लाजा किया बंद। फरीदकोट कोटपुरा मोगा हाईवे उत्ते पिंड चंदपुराणा विखे सिंघां वाला टोल प्लाजा होया टोल फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ फुटबाल टूरनामेंट का खिताब जीतने लई भारतीय टीम नूं वधाई दित्ती है अते कहा है कि उन्हां दा प्रदर्शन आने वाले खिडारियों नूं प्रेरित करता रहेगा। मेजबान भारत ने पेनल्टी शूटआउट विच कुवैत नूं 5-4 दे फर्क नाल हरा के नवीं वार सैफ चैंपियनशिप जीती है। खेड दे 120 मिनट तक दोवें टीमां 1-1 नाल बराबरी ते सन। पेनल्टी शूटआउट दे 5 राउंड दे बाद भी स्कोर 4-4 सी, जिस तों बाद सडन डैथ नाल फैसला होया। इस संबंधी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर चैंपियन का ताज अपने नाम किया है। ब्लू टाइगर्स ने सैफ चैंपियनशिप 2023 शानदार प्रदर्शन किया है। सारे खिडारी बहुत बहुत बधाइया। इन्ह अथलीटा के दृढ़ इरादे और दृढ़ता भरपूर भारतीय टीम का शानदार सफर आने वाले अथलीटा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सीनियर कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ने उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी नाल संबंधित मानहानि के केस में निजी पेशी तो छुट दे दी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी की अपील से सुनवाई करदिआं फिलहाल अगले हुक्मां तक उन्हां खिलाफ किसी भी तरह की सजाजोग कार्रवाई उत्ते रोक लगा दी है। हाईकोर्ट हुण इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को करेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा चोणां दौरान अप्रैल 2019 मुराबादी मैदान में एक जनतक मीटिंग दौरान अपने भाषण में कथित तौर पर कहा कि मोदी ही सारे चोरों का सरनेम क्यों होंदा है। उन्हें खिलाफ हेठली अदालत में इसे गल को लेकर मानहानि का केस दायर कर दिया गया सी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा कोटपुरा रोड से स्थित चंदपुराणा विखे लग्या पीडी अग्रवाल टोल प्लाजा बंद करवा दिता है। इस मौके उन्हें कहा कि पंजाब विच पहला 9 टोल प्लाजे बंद किए जा चुके हैं तो हुणे 10वां टोल प्लाजा जिसनों अज बंद किया गया। उन्हें कहा कि टोल प्लाजा बंद होने व्हीकल चालकों का रोजाना तकरीबन 4,61,000 रुपए का फायदा होगा। इस मौके उन्हें कांग्रेस उत्ते निशाना बिंदिया कहा कि 2019 यह टोल प्लाजा बंद हो सकता सी पर किसी ने नहीं किया। अज ये 10वां टोल प्लाजा जिहड़ा है उन्होंने असी लोगों लिए फ्री कर रहे हैं। इस तो पहला 9 कर चुके हैं। ये थोड़ी जी डिटेल दे दिना, कुछ गलत फहमिया ने कांग्रेस वाले खास तौर पर, मैं सारा उन्होंने वहम कर देना। यदि ऑफिशियल जी एक्सपायरी से 20/7/2023 सी। इस पॉइंट पर मैं थोनों खास तौर पर कहूँगा इन्होंने की किया जी 24/3/2008 की बजाय इन्हें 25/4/2008 ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की 33 दिन का डिले होया जिदा के 51 लाख रुपये इन्हों जुर्माना होया पर उन्होंने दिता नहीं। फस्ट ओवरले 25/4/2013 पहली बार इन्होंने सड़क पर लुक पानी सी ओवरले करनी सी जिन्हों के इन्होंने 30/9/2014 किया जानी के 158 दिन लेट किया जी। समझौते मुताबक एग्रीमेंट मुताबक 158 दिन ओवर ले जिदा कि इन्हों 2,45,00,000 रुपया जुर्माना होया पर उन्होंने दिता नहीं। सैकेंड ओवर ले जी करनी सी दूजी बार जी लुक बिछानी सी जिथे सड़क खराब सी ठीक करनी सी वो करनी सी 25/4/2019 पर इन्होंने की 31/12/2019
251 दिन फिर दोबारा डिले किया, जुर्माना होया 3,99,00,000, यानी कि 3,90,00,000 रुपये। तो इस एग्रीमेंट के एक कलॉज है, कांग्रेसी खास तौर पर सुन लैन, एग्रीमेंट के कलॉज है कि जे तुहाडा जुर्माना जिहड़ा वो 3,11,00,000 तो ज़्यादा हो जाता है तो जिहड़ा एग्रीमेंट है इस टोल प्लाजे का उन्हूं गौरमेंट रद्द कर सकती है। एक कलॉज लिखा हुआ तो 3,99,00,000 उन्होंने जुर्माना हो गया, यदा मतलब 3,11,00,000 तो उपर हो गया। तो यह टोल प्लाजा 10/11/2019 बंद हो सकता सी, 4,61,000 ये हो गया टोटल, जिहड़े 10 बंद किए ने उन्होंने जी 44,43,000, यानी कि 44,50,000 हर रोज़ पंजाब के लोगों का बचन लग गया जी। अज तो यह मेरा कोई माफिया नहीं है कि मैं तो ये सड़क में मैं कायम भी रखूँगा, सड़क भी नहीं टुटन देनी असी, पर आ टोल प्लाजे जी लुट है वो बंद करनी है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान की योग अगवाई वाली पंजाब सरकार किसान आम लोगों तो इलावा हर खेत्र में बिजली की निर्विघन सप्लाई देने वचनबद्ध ते यत्नशील है। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा बिजली मंत्री हरभजन सिंह गीटियो ने बठिंडा विच कीते गए अपने अचनचेत दौरे दौरान किया। इस मौके उन्हां दे नाल डिप्टी कमिश्नर सौकत अहमद परे, जिला पुलिस मुखी गुलनीत सिंह खुराणा ते जिला योजना कमेटी के चेयरमैन अमृत लाल अग्रवाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने वैस्ट जोन दफ्तर SCOM SC इनफोर्समेंट टैक्नीकल ऑडिट दफ्तर की अचनचेत चैकिंग की। इस मौके दफ्तर के सारे अधिकारी ते कर्मचारी मौके से हाजिर पाए गए। उन्होंने दफ्तरी कामों को सुचजे ते बखूबी ढंग नाल निभाउण ते अधिकारियों ते कर्मचारियों की शलाघा की है अते नवें भर्ती हुए कर्मचारियों नूं अगे होर सख्त मेहनत करने लई प्रेरित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने स्थानक जिला प्रबंधकी कंपलैक्स का दौरा करके जायजा लिया। हलका फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना ने पिंड चूड़ीवाला चिश्ती का दौरा करके पिंड विच चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके विधायक ने पिंड के लोगों की मुश्किलां सुनिया ते मुश्किलां दा जल्द तो जल्द हल करवाउण दा भरोसा दिता है। विधायक सवना ने पिंड वासियों नूं विश्वास दिवाउंदे कहा कि पिंडां विच विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहण दित्ती जाएगी ते पिंडां दा सर्वपक्षी विकास करवाया जाएगा। चूड़ीवाला चिश्ती दे लोकां दी मंग अनुसार अज पिंड दे विच आए हैं और जो कम होने वाले ने कोई डिमांडा ने लोगों दिया जिहड़े मुश्किलां ने वह सुनने लई आए सी और जिहड़े विकास दे कम पिंड दे विच कोई हो चुके ने कुछ होने वाले ने चैकिंग की है और जिहड़े कम कोई छप्पड़ दा जिहड़ा निकासी दा कम है बहुत जिहड़ा बहुत ज़्यादा लोड है वह आके चैक किया है और उहदा असीं प्रोजैक्ट बनाया तकरीबन 34,00,000 रुपये का, उस बड़ा जल्दी जिहड़ा कम शुरू करवाउण जा रहे हैं। मकानां दी तां इस पिंड दे विच डिमांड काफ़ी लंबे समय तो है, हुण साडे असीं आके देखिया तां बहुत ज़्यादा जरूरत है मकाना दी और इसका असं प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं DDP साहब की ड्यूटी लगाई है चैकिंग की जाए और वाकई जिन्हें कोई कच्चे मकान रेंदे ने उन्हां दी फोटो नाल परिवार की करके उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और रिपोर्ट है जी असं मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी देवे और जी सहूलत बनती है जिन्होंने वाकई मिलनी चाहिए दवा। श्री आनंदपुर साहब हल्के भारी मीह पैण करके पिंड भंगल और महंदपुर हड़ आने की खबर मिली है। हड़ प्रभावित इलाके जिला प्रशासन और संबंधित महकमे के अधिकारी चौकस कर दिया गया। इस गल की जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री ते हलका विधायक हरजोत सिंह बैंस ने दी है। उन्होंने इस संबंधी अपने फेसबुक सफे उत्ते जानकारी दिंदा लिखे कि भारी मीह पैण करके उन्होंने हल्के के पिंड भंगल और महंदपुर हड़ आने की खबर मिली है ते इस बाबत बन दी हदायतां जारी की गई ने। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री ते कांग्रेसी आगू चरणजीत सिंह चन्नी आमदन तो वध जायदाद के मामले में विजिलेंस दफ्तर पहुंचे। विजिलेंस की जांच टीम वालों अज तीजी बार उन्होंने कोलों पुछगिछ की गई। जांच टीम ने चन्नी की पूरी जायदाद बारे जानकारी मंगी है। कहा जा रहा है कि गोवा में पंजाब की सरकारी जमीन बारे भी विजिलेंस वालों चन्नी तो पुछगिछ की गई है जो कि चन्नी के मुख्यमंत्री होंदया ही लीज उत्ते दी गई सी। गौरतलब है कि इस तो पहले भी चन्नी जायदाद संबंधी दस्तावेज लेके विजिलेंस टीम के सामने पहुँच चुके हैं पर विजिलेंस वालों उस तो दी सूचना तो संतुष्टि जाहिर नहीं की गई जिस कारण उन्होंने तो तीजी बार उनकी जायदाद बारे विस्तार पूर्वक जानकारी मंगी गई है। थाना डिवीजन नंबर 5 अधीन पैंदे काला सिंह रोड से स्थित कोर्ट सादिक नजदीक चोरों ने घर के ताले तोड़ के सोने ते चांदी के गहने चोरी कर ले। इस गल का पता लगते ही परिवारिक मैंबर तुरंत घर पहुंचे। परिवारिक मैंबर ने दसिया
कि घटना दोपहर 11 बजे तो 2 बजे के दरमियान वापरी। उन्होंने दस्सिया कि घर में कोई नकदी नहीं सी, सिर्फ गहने ही सी जो चोरी हो गए। उधर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जलंधर के बस स्टैंड मोता सिंह नगर के कोल स्थित एक बंद कोठी में शॉर्ट सर्किट कारण अग लगी, जिस उत्ते फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच के अग उत्ते काबू पाया। इस संबंधी जानकारी दिंदे फायर अफसर रजिंदर सिंह दस्सिया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोता सिंह नगर में कोठी नंबर 669 में अग लगी है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुशक्कत तो बाद अग उत्ते काबू पा लिया गया। अमृतसर में भारी मीह पैण नाल लोगों को जिथे गर्मी तो राहत मिली है, उत्थे कई थाई पानी खड़न नाल लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। श्री दरबार साहब नूं जांदे राह उत्ते भी पानी खड़ गया, हालांकि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। गुरुनगरी अमृतसर में मीह कारण सड़कों उत्ते काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ गया। उत्ते तेज मीह में भी ट्रैफिक पुलिस के मुलाजम अपनी ड्यूटी तनदेही नाल निभाते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के मुलाजम सड़कों उत्ते मुस्तैदी नाल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तां जो सड़कों उत्ते किसी भी तरह का जाम ना लग सके। इस मौके अमृतसर शहर अंदर ट्रैफिक की निगरानी कर रही ट्रैफिक इंचार्ज मैडम अमनदीप कौर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने लई तत्पर है। देखो ऑलरेडी असी चाहे बारिश होवे चाहे धुप होवे ते साडी जिहड़ी पुलिस है अमृतसर ट्रैफिक पुलिस वो दिन रात जिहड़ी है काम करती है और करती रहेगी और साडी कोशिश इहो ही होगी तां जो लोगों टूरिस्ट नूं बाहरों आने वाली जगह पर किसी कोई परेशानी ना हो। इस करके सवेर तो ही साडी जिहड़े मानयोग सीपी साहब नाल मीटिंग हुई सी जी उन्हों ध्यान में रखद हो कई जगह पर सानू प्रॉब्लम जिम्मे हम तुम आप अल्फा मॉल के उत्ते पानी काफ़ी ज़्यादा वा तो प्रॉब्लम आई हुई है। इस करके डायवर्शन दित्तियां हुई सीगियां तो कई कई जगह तो असं शहर के बहुत सारी जगह तो अं डायवर्शन दित्तियां हुई। पंजाबी खबरों के बुलेटिन अज लई इन्ना ही, जांदे आंदे नज़र मारदे आ मौसम के हाल ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम ट्यूब दे नाल। धन्यवाद।